Hello everyone, my name is Sahil Sharma and I welcome you all to my new YouTube channel Canadian Sahil. So today we will discuss ki aakhir kya reason hai ki Montreal ke CDI college ke housing college ke students ke visas kyu nahi aa rahe hain, unki PPR kyu nahi aa rahi hai. To chaliye aaj ki video start karte hain. Jaise ki aap sabko pata hai ki December 2020 mein end of the month ye news aayi thi ki 10 colleges hain Montreal Quebec ke जिनकी सी ए क्यू सस्पेंड कर दी गई है. और फिर उसके कुछ दिनों के बाद एक और न्यूज़ आती है कि वो सस्पेंशन लिफ्ट कर दी गई है. ऑल द कॉलेजेस अब सी ए क्यू ले सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी करने के लिए सी ए क्यू अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये सब इशू सॉल्व होने के बाद तब से आज तक मार्च तक कोई भी पी पी आर नहीं दिखी है हमें उन स्पेसिफिकली उन 10 कॉलेजेस की. सो आज की वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि कल रात को मेरी एंड मेरी क्लास की मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट के साथ कि पीपीआर्स क्यों नहीं आ रही हैं. तब से सब प्रोविंस की पीपीआर्स आ रही हैं लेकिन मॉन्ट्रियल की स्पेसिफिकली पीपीआर्स क्यों नहीं आ रही हैं. तो इस पे उनके जो मैनेजमेंट के हेड थे उन्होंने बताया कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस ऑल अप टू IRCC इमिग्रेशन ऑफ कैनेडा. जो क्यूबेक का इमिग्रेशन था उससे हमने कोऑर्डिनेट करके सी ए क्यू सस्पेंशन लिफ्ट हटवा दी थी. वो आपको हमने मेल भी भेजी थी और सब शेयर भी इंफॉर्मेशन करी थी आप सबके साथ. और अब ये ऑल अप टू लाइक IRCC के हाथ में है. लेकिन हमारे लॉयर्स कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं इमिग्रेशन कैनेडा के साथ कि PPRs क्यों नहीं आ रही हैं बच्चों की. सो वी होप कि लाइक इन few weeks like two three weeks ये problem solve हो जाएगी and the students will start getting PPR. and friends कल की meeting में एक चीज़ और सामने आई है कि जो मेरा personal opinion है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आप सबको. मुझे क्या लग रहा है कि कॉलेज कहीं ना कहीं बच्चों को क्लियर आंसर नहीं दे पा रहा है, कुछ ना कुछ झोल पक्का चल रहा है कॉलेज के अंदर जो वो स्टूडेंट से छुपा रहे हैं. बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं जैसे कि कोई कह रहा ऑडिट चल रहे हैं, कोई कह रहा वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी डाला हुआ है कि 31 मार्च से पहले किसी का भी PPR या स्टडी परमिट इशू नहीं होने वाला कैनेडा इमिग्रेशन की तरफ से. सो इस पर मेरे को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. लेकिन सेम हमने कॉलेज से भी पूछा, वो भी कुछ ज़्यादा इस पर क्लैरिटी दे नहीं पाए. सो आज के लिए बस इतना ही. एंड आप मेक श्योर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.